नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह और खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज के मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा में सेल्फी टैंक में सफाई करने के दौरान हुई युवक की मौत, लोगों ने किया हंगामा। जमशेदपुर के चाइल्ड लाइन ने आंध्रा में बने बंधक दो बच्चों एवं एक महिला को कराया मुक्त, लाया गया शहर। जमशेदपुर में कदमा पुलिस ने दो लोगों को किया हथियार के साथ गिरफ्तार, अब भेजा गया जेल। और एनडीए प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने किया नामांकन, सीएम रघुवर दास, सुदेश महतो समेत कई रहे मौजूद। सरायकेला के आरआईटी क्षेत्र में गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर मिला शव, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। और अब खबर विस्तार से। आपको बता दें कि सिद्धगुड़ा थाना अंतर्गत भुइयाडी नंदनगर में सेफ्टी टैंक साफ करने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि बस्ती के ही रहने वाले बल्ली यादव के घर में 24 वर्षीय अजय छेत्री अपने दो अन्य साथियों के साथ जूसको के सेफ्टी टैंक की सफाई करने पहुंचा था, जिस वक्त ये दुर्घटना घटी। सबसे पहले अजय छेत्री सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए अंदर घुसा, इसी बीच वह जहरीली गैस लगने से भीतर ही बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद उसका एक अन्य साथी उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी भी हालत खराब हो गई। बाद में उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के बस्ती के लोग पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। अजय छेत्री को लेकर स्थानीय लोग और उसके परिजन एमजीएम अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं एक अन्य घायल की स्थिति में सुधार होने के बाद उसे घर भेज दिया गया। वहीं इनका एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया। काफी देर तक पुलिस अस्पताल नहीं पहुंची, जिससे लोगों में आक्रोश देखा गया। फिर उसके बाद में वो जैसे जैसे बाहर निकला, वो भी बाहर निकल के साथ बेहोश हो गया। एक कहाँ पर हुआ था? एक कानू भट्टा नंदनगर भुइयाडी समझे ना, पार्क का सामने में। क्या कर रहा था ये लोग? चंबर साफ कर रहे थे, 15 फुट का नीचे पे। अब फिर उसके बाद ये लोग इसको निकाले, फिर हम हॉस्पिटल आते लाते। कितना लोग था हम लोग? कितना जन काम कर रहा था? तीन जन कर रहा था। आप दो लोग एक जन को हम ठेस लग गया है अंदर पे, अभी उसको ऑक्सीजन नहीं दिलाएंगे अंदर पे, जो काम कर रहे हैं तो वो तो गैस मर जाएगा अंदर पे। किसका काम कर रहा था? अब क्या नाम है? शुगर लाइन का काम कर रहे थे। सफाई करने के लिए ले गया था, सफाई के क्रम में इसको गैस लगा, गैस लगने में बेहोश हुआ। तो वहाँ दो लड़का और था जिसको निकालने का प्रयास किया और निकाल करके उसको, उसके बाद हमारा पेट्रोलिंग पार्टी गया और PCR गाड़ी गया, उसको PCR गाड़ी में लोड करके ला कर MGM अस्पताल हम लोग पहुँचाए, जहाँ इसका इलाज चला था। इलाज के क्रम में इसकी मृत्यु हो गया। पता घटना कहाँ पर हुआ था? आप बोल रहा था कि वो बागुड़ी है। हाँ, ये लोग बता रहा है कि एक बल्ली यादव के काम करा रहे थे। और सरायकेला जिले के RIT थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास रेल ट्रैक के किनारे एक 32 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद किया गया है, जिसकी पहचान गोविंदपुर के लुआबासा निवासी सोनाराम महतो के रूप में की गई है। बताया जाता है कि गम्हरिया स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक किनारे अप लाइन के पास शनिवार सुबह एक व्यक्ति का अज्ञात शव बरामद किया गया, जिसके बाद इसकी जानकारी स्थानीय RIT पुलिस को दे दी गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर छानबीन करने पर पाया गया कि मृत व्यक्ति जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत लुआबासा गांव का रहने वाला है। वही व्यक्ति के हत्या की आशंका भी जताई जा रही है, हालांकि पुलिस द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। वही पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आगे मामले की छानबीन कर रही है। इसके पॉकेट से एक डायरी मिली है, जिसके आधार पर लगता है कि इसका नाम सोनाराम महतो है और ये गोविंदपुर थाना एरिया का रहने वाला है। डायरी में नंबर के आधार पर इसके घर वाले को खबर किया गया है, घर वाले आते हैं तो डिटेल इसके संबंध में किया जाएगा, कैसे क्या क्या घटना हुई। प्रथम दृष्टिया क्या लगता है? प्रथम दृष्टिया तो माथा में चोट है, लेकिन वो चोट कैसे लगा है अब आइडेंटिफाई, अब घर वाला आएगा क्लियर करेगा तब, क्योंकि रेलवे ट्रैक वहां भी तो लग सकता है चोट। साथ ही आपको बता दें कि टाटा नगर रेलवे चाइल्ड लाइन द्वारा आंध्रा से दो बच्ची एक महिला और एक बच्चे को बंधक से मुक्त कराकर जमशेदपुर लाया गया।
मामले के संबंध में जानकारी देते हुए परसोड़ी थाना प्रभारी अनिमेश गुप्ता ने बताया, भाड़ेदार द्वारा दो बच्चे, एक महिला और एक बच्चा को आंध्रा में मछली व्यवसाय में काम दिलाने के नाम पर बहला फुसला कर ले जाया गया था। टाटा नगर रेलवे चाइल्ड लाइन की मदद से इन लोगों की बरामदगी की गई है। मामला मेरे संज्ञान में आया है, जमशेदपुर चाइल्ड लाइन जो हम लोग स्टेशन में जो काम कर रहे हैं, वो लोग दो बच्ची को रेस्क्यू किए हैं, उसके साथ में एक मेजर महिला भी है और एक बच्चा भी है, जिसको इलीगली ट्रैफिकिंग करके आंध्र प्रदेश मछली कोई फैक्ट्री में काम कराने के लिए उद्देश्य ले जाया गया था। और उसके पेरेंट्स सब जो चूँकि माइनर है तो वो लोग बहुत चिंतित थे, 14 को शायद ले गया था दो बच्ची को, लेकिन बाद में पता चला इसमें एक बच्चा एक और एक महिला भी है, जिसको कि रेस्क्यू करके लाया गया है और इस संबंध में हम लोग जांच करके आवेदन प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही कदमा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो आर्म्स और जिंदा कारतूस के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है गिरफ्तार अपराधी हाल ही में जेल से बाहर निकला है। इधर कदमा थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया, सूचना के आधार पर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर दो आर्म्स और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये विगत कुछ दिन से फिरार था कदमा थाना में, इसके विरुद्ध कांड दो तीन कांड दर्ज थे। ये था भानु मांझी, वो अपने घर में हथियार के साथ में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में घर में था, कोई प्लान बना रहा था। उसे हम लोग को सूचना मिली, गुप्त सूचना, तो हम लोग उसके आधार पर जाए गुरुद्वारा उलियान उसके घर से। क्या पहले वांटेड था? हाँ वांटेड था, पहले कुछ दिन पहले ही वो जेल से निकला है। आर्म्स पकड़ाया, दो हथियार पकड़ाया है, कुछ गोली पकड़ाया है। और जमशेदपुर के एंजिम थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित हो रहे अवैध शराब भट्टियों पर जिला आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके अंतर्गत शनिवार को पुलिस बल की मदद से बड़ी मात्रा में शराब को नष्ट किया गया है, साथ ही कई भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई थी। एंजिम थाना क्षेत्र के छोटा बांकी एवं बड़ा बांकी इलाके में ये छापेमारी की गई। इस दौरान विभाग ने पुलिस बल की मदद से कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। वहीं मौके पर 10,000 किलो जावा महुआ तथा 250 लीटर चौलाई शराब को जब्त कर लिया गया। हालांकि यहां से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, विभाग इनके संचालकों के गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर सरायकला जिले के आदित्यपुर स्थित गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल के छात्रों को अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत फायर फाइटिंग के गुण सिखाए गए। झारखंड अग्निशमन विभाग द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आदित्यपुर स्थित गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल में स्कूली बच्चों को आग लगने के दौरान सुरक्षित रहने और आग पर काबू पाने संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस मौके पर झारखंड अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी समेत स्कूल प्रबंधन समिति के सचिव सत्य प्रकाश सुधांशु के अलावा अन्य शिक्षक भी मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम के तहत स्कूल परिसर में बच्चों को आग लगाकर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया गया, ताकि वे सुरक्षित रहकर अपनी और दूसरों की सहायता कर सके। सुरक्षा सप्ताह जब हम लोग मना रहे थे, कई जगह पे आग लगाकर और वॉलेंटियर को दौड़ाया गया, उन्हें यह बताया गया था कि किस तरह से अग्निशमन हम लोगों को करना है। बच्चों ने काफ़ी रुचि दिखाते हुए कई जगह सुरक्षित ढंग से आग को और अपने स्कूल को बचाया। इस अवसर पर हमारे अग्निशमन सुरक्षा पदाधिकारी मौजूद थे एवं उनकी देख रेख में यह सारा कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया। पूरे नाम बताएं। सत्य प्रकाश सुधांशु, सचिव गायत्री शिक्षा निकेतन। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका कालिकापुर गांव के राशन डीलर सपन कुमार दत्ता द्वारा कार्डधारियों को घटिया चावल दिए जाने को लेकर कार्डधारियों ने डीलर के दुकान में जमकर हंगामा किया। वहीं कार्डधारियों का कहना था कि डीलर द्वारा गंदा और कंकड़ पत्थर वाला चावल उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसे जानवर भी नहीं खा सकते। ग्रामीणों ने इस चावल को लेने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं डीलर का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, पिछले दिनों 3 बोरा गंदा चावल गोदाम से आया था, लेकिन अब सभी को अच्छे चावल दिए जा रहे हैं। अरे बाबा हम ही हाथ उठा के आ गए, चलो खड़ा से रेडी। चावल दे रहे हैं, पत्थर भी है, काला भी है, कंकड़ भी है, ये सब चल हम लेंगे। बैल भी नहीं खाएगा जो चल दे रहे हैं, बकरी भी नहीं खाएगा चल, ये सब दे रहे हैं पब्लिक को। चल तो सर नहीं देता है खाने के लिए, पब्लिक को देता है क्या? नहीं देता है, और हम लोग को दे रहा है, ऐसा चल नहीं लेंगे हम। जो चावल हम लोग को दे रहा है कि बैल भी नहीं खाएगा, ऐसा चावल हम लोग को दे रहा है कि हम लोग गरीब बोल के कितना हम लोग नीचे
हमें नहीं चाहिए हम लोग को जहां कौन दे रहा है सपन दूध तो दे रहा है क्या बोल रहा है बोलता है यही चाल है जो सरकार से आया तो ही हम देंगे ना चावल घटी का तो नहीं है चावल कैसा है चावल चावल एकदम देखिए चल तो मेरे साथ में है गोदाम से जो माल आया था उसको साइड में काट के बड़े हवा दे रहा है उसको बदल लेंगे गोदाम से कुछ लोगों का ये कहना है कि पहले भी 10 किलो 15 किलो करके काटे हैं चावल हम ये दुकान हमको मिले नहीं पहली बार हमको आई ये महीना पहली मिला है इस महीना से हमको पहला माल मिला है। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए शनिवार को नामांकन पर्चा दाखिल किया है। शनिवार को भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के वक्त मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय और आजसू विधायक रामचंद्र सहीस मौजूद थे। इधर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मीडिया को बताया कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, साथ ही उन्होंने भाजपा उम्मीदवार की जीत का दावा भी किया है। विधायक सम्मानी राज्य के परम आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी पार्टी को अस्पष्ट जनादेश के साथ साथ एनडीए को भी जनादेश दी और तब से हम देखे तो भारतीय राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव आए और वही सकारात्मक बदलाव हमें इस नामांकन के अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक की उपस्थिति ये बताता है। और 18 साल के पहले भी आप देखो किसने झारखंड की अस्मिता को बीचा। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरें आगे और भी हैं। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्री एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए हैं ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले, एक साथ जो लेके आते हैं और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहाँ मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतरराष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, डोरा डोरा, स्लम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहां ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। जय माँ तारा। आचार्य श्री रूप मुखर्जी, क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी नहीं छोड़ती आपका पीछा? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई एवं करियर को लेकर है परेशान? शादी में किसी तरह की कोई बाधा? विदेश यात्रा में रुकावट? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? अगर आप जान नहीं पाते कि कोई समस्या अकारण ही क्यों आपके सामने आ गई, तो कहीं ये हमारे जीवन में ग्रहों की चाल का असर तो नहीं? इन सभी समस्याओं के निदान हेतु आपको ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान वो सब देख पाता है जो हम नहीं देख पाते। तो देर ना करें और जल्द ही अपनी हर समस्याओं के समाधान के लिए अवश्य मिले आचार्य श्री रूप मुखर्जी से। हमारा पता है मानगो टिमना रोड, स्वर्णिम टावर, मोबाइल नंबर 9647884785 और 9775647212।
ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि NH-33 पर पिकअप वैन के पलट जाने से आधा दर्जन महिला कामगार जख्मी हो गई हैं। बताया जाता है कि चकुलिया में शादी में लाइटिंग का काम करने के बाद महिलाएं घर वापस लौट रही थी, तभी NH-33 पर पिकअप वैन पलट गई, जिसमें आधा दर्जन कामगार महिलाएं जख्मी हो गई हैं। वहीं घायल महिलाओं को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती किया गया है। इधर जख्मी महिला मुन्नी ने हादसे के कारणों के संबंध में जानकारी दी। कौन सा गाड़ी था? इसका मुन्नी। मुन्नी सब कहाँ कराने वाले आप लोग? सब डीबी रोड का, ये बागबड़ा थाना है ना, उसका बगल वाला बाबा कुटी बोलते ना, वही चकुलिया। कैसे हुआ घटना आप लोगों से? चकुला से बारात उरात लगा के हम रिटर्न आ रहे थे तो घाटशिला में हुआ। क्या हुआ? गाड़ी एक पे पलटी हो गया, हमने तो डाला में बैठे हुए थे ना। कौन सा गाड़ी था? वही छोटा हाथी चार चक्का वाला। कितना लोग को लगा? और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में चुनाव कार्य हेतु 57 कर्मचारियों का चयन किया गया है। अब अस्पताल के समक्ष इस कारण कार्यों में समस्या उत्पन्न होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। वैसे इस अस्पताल में ज्यादातर ग्रामीण ही आते हैं और अस्पताल में पहले से ही लोगों की और संसाधनों की कमी है। अब चुनाव कार्य हेतु 57 कर्मचारियों को अस्पताल से जाना पड़ेगा, जिससे ये समस्या और भी विकट हो जाएगी। अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि 57 में से 3 लोग अनफिट रहने के कारण चुनावी कार्य में नहीं जा पाएंगे, लेकिन बाकी सभी को इस कार्य में जाना होगा। इन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ कर्मचारियों के जाने से अस्पताल के व्यवस्था पर असर पड़ेगा और इस कारण से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मदद से अस्पताल की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे। चुनाव कार्य में कुल 57 कर्मचारियों को दिया गया है, जिसमें 2-3 कर्मचारी अपने बीमारी का जायजा लेकर के हमको छोड़ दिया जाए। जहाँ तक इस अस्पताल के मैनेजमेंट का व्यवस्था है, हम लोग ऐसे ही कर्मचारियों की कमी से उलझ रहे हैं और चले जाएंगे तो अस्पताल का कार्य प्रभावित होगा और मरीजों का देख रेख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब जो संसाधन उपलब्ध है उससे हम लोग बेहतर सुविधा देने का प्रयास करेंगे। अब चुनाव कार्य तो आवश्यक है और सरकार का निर्णय है तो हम सबको मानेंगे। वैकल्पिक रोजगार जो 22 वर्ष से मेरे यहाँ कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी, उनसे काम चलाएंगे हम लोग। साथ ही जमशेदपुर में झारखंड स्वास्थ्य विभाग एवं टाटा स्टील के सहयोग से दिव्यांग जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां 200 से अधिक दिव्यांग बच्चों की जांच कर उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किया गया। धातकीडी स्थित सेंटर मैदान में झारखंड स्वास्थ्य विभाग और टाटा स्टील के सहयोग से दिव्यांग जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां कई चिकित्सकों द्वारा बच्चों की जांच की गई। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए आयोजक समिति के सदस्य पी बाबू राव ने कहा कि हर माह की 20 तारीख को कोई एक शिविर का आयोजन कर दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच निःशुल्क की जाती है, जहाँ अब तक 16,000 से अधिक दिव्यांग बच्चों की जाँच की गई है। बता दें कि ये शिविर 2006 से अपनी सेवा दिव्यांग बच्चों को दे रहा है। ये हर महीना 15 तारीख को डिसेबिलिटी कैंप किया जाता है, जो 2006 से आज तक कंटिन्यू चल रहा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टाटा स्टील के द्वारा होता है। इसमें और बाकी NGO जो है एज ए वॉलंटियर इसमें मदद करते हैं। कितने पेशेंट देखे जाते हैं? हर महीना करीब 200 जन को यहाँ पर चेकअप होता है और कम से कम अभी तक जो है 2006 से अभी तक करीब 16,000 डिसेबल का सर्टिफिकेट बना है। और जमशेदपुर में मदरसा फैजुल उलूम के द्वारा शबे बारात के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत नातिया कलाम के साथ की गई। धातकीडी स्थित मदरसा फैजुल उलूम के द्वारा शबे बारात के अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां नातिया कलाम के साथ इसकी शुरुआत की गई है। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए मदरसा के सदस्य गुलाब अंसारी ने कहा कि मदरसा में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को दीनी और स्कूली तालीम दी जा रही है, ताकि बच्चे दोनों क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। जहां मुस्लिम समाज के लोग शबे बारात के अवसर पर अपने पूर्वजों की याद में इबादत करते हैं, वहीं मदरसा के द्वारा शबे बारात के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित कर दीनी तालीम को और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम अपनी खुशी में मदरसे के जो खैर खान हैं, मदरसे से मोहब्बत करते हैं, यहाँ आते हैं, देते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो इस खुशी में हमारे साथ शरीक हों और देखें कि अब मदरसा फैजुल उलूम इस काबिल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि मदरसा
मदरसे में तलबा के लिए एक बहुत ही सहूलत से आरास्ता खसूसी तौर पर हॉस्टल की इंशाल्लाह इबारत बनाए। तो अभी हम लोग उसकी इब्तदा कर रहे हैं इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि लोगों का ताबून सब शामिल हाल रहेगा और इसे हम जल्द रफायत देंगे। वहीं दूसरी तरफ आज़ाद नगर कब्रिस्तान में इज्तिमाई दुआ का आयोजन कर सभी ने अपने पूर्वजों के लिए दुआ की, जहां कई राजनीतिक दल के लोग मौजूद थे। वहीं इस संबंध में मतलूब अनवर खान ने जानकारी दी। लोग गाड़ी बाहर जरूर रखे, मेहरबानी होगी। गिलाफे मुअम्मर के सदके में माफ फरमा, बहुत सारे हुज्जाजे किराम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह अरबी वल अजम जिस्मुहु मुकद्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मनव्वर। ये वक्त मुस्लिम कब्रिस्तान जाकिर नगर है, रोड नंबर 3 मानगो में है, और अभी इज्तिमाई दुआ की गई है। इज्तिमाई दुआ इसलिए किया गया कि जिनका कोई भी नहीं है जाकिर नगर कब्रिस्तान या कहीं भी, उनके लिए हमारे तमाम लोग, हाजी साहब लोग, हमारे कमेटी के लोग, तमाम बसंदर मुसलमान भाई लोग मिलकर दुआ किए उनकी मौफरत के लिए, और साथ साथ जो जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है खास करके किया गया, फिर अपने लोगों के लिए किया गया। और आज रात भर इबादत चलेगा, अब लोग जो आएंगे अपने लोगों के लिए दुआ करने, लेकिन इससे पहले कमेटी ये इंतज़ाम करती है कि जिनका कोई नहीं है उनके लिए दुआ करा के ये प्रोग्राम शब रात का शुरू हो जाता है और रात भर चलेगा। रात में गुनाहगारों की बख्शिश होती है और दुआएं कबूल होती हैं, मुसीबतें दूर होती हैं। तो इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए, गुनाहों की बख्शिश तलब करनी चाहिए और आइंदा के लिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिशें करनी चाहिए। रात भर अल्लाह ताला की रहमत पुकारती है कि कोई बख्शवाने वाला है कि मैं उसे बख्श दूँ, कोई तौबा करने वाला है कि मैं उसके गुनाहों को बख्श दूँ, कोई मुसीबत में मुझसे दूर होने की दुआ करने वाला है कि मैं उसकी मुसीबतों को दूर कर दूँ। रात भर अल्लाह ताला की रहमत हमें पुकारती रहती है। साथ ही जमशेदपुर में सुनारे एयरपोर्ट के पास मुख्य सड़क से साक्षी की ओर आ रहे एक बाइक पर सवार दो युवक बाइक का संतुलन बिगड़ने से दुर्घटना का शिकार हो गए। इस दौरान दोनों ही सड़क पर गिर गए, जिससे बाइक चला रहे युवक को सर और नाक में चोट आई है। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से घायल युवक को उठाकर वहां से टीएमएच भिजवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वैसे सीएम के आगमन को लेकर पहले से ही सुनारे एयरपोर्ट पर पुलिस तैनात थी, जिस कारण उक्त घायल युवक को तुरंत ही मदद मिल सकी। फिलहाल घायल युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वैसे इस दुर्घटना में घायल एक अन्य युवक को हल्की चोट आई है, जिसे प्राथमिक उपचार देने के बाद छोड़ दिया गया। बता दें कि दोनों युवकों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था, जिस कारण उन्हें चोट लगी। कैसे गिरा? उधर से टकरा के ये लोग पीछे पे चल रहा था, तो लड़खड़ाया, ऐसे गिर गया। तो गाड़ी वाला को बोला कि भाई इसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दो, किसी का जान बचेगा। तो लेके गया, आप भी तो नहीं थे सहयोग किए प्रेस मीडिया वाला कम से कम, बहुत बड़ा बात है। पांच पाँच धर्म को क्या हुआ था? मोटरसाइकिल से जा रहा था सांची की तरफ। हाँ, और वो अपने बैलेंस अपने आप बैलेंस उसका खराब हो गया और गिर गया मोटरसाइकिल। तो अभी क्या हुआ? हॉस्पिटल पीएमएस के लिए भेजे हम लोग। क्या नाम आपका? मेरा एएसआई अरुण कुमार। और जमशेदपुर में बंगाल नववर्ष के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन कर फूड फेस्टिवल के माध्यम से बंगाली खान पान को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। स्थित बंगाल क्लब परिसर में नववर्ष के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कोलकाता से आए कलाकारों द्वारा शमा बांधा गया। वहीं बारिश के बावजूद लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही थी, जहां संस्था द्वारा फूड फेस्टिवल के माध्यम से बंगाल खान पान की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका लुत्फ लोगों ने जमकर उठाया। একটা কথা বলতে চাই, বলছি সবার মুখের এক্সপ্রেশনটা খুব গম্ভীর, সবাই এরকম ভাবে আছে। Thank you.
दूसरी ओर परसुडी मकदमपुर में बिजली खंभे के स्पार्क से आग लग गई, जिस कारण एक कार मामूली रूप से जल गई है। इस संबंध में स्थानीय नागरिक आकाश श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 2 महीने से झारखंड बिजली बोर्ड के ठेकेदार द्वारा लगाए जा रहे तार के कारण बराबर इस तरह की घटना घटती रहती है। शनिवार को इसी प्रकार की घटना घटी है। रोड में करे गया तो जाने गया तार को या बहुत आगने का चक्कर है, इसका भी टूटा मेरा भी। अरे तो आग लगा था दिवाली ILFX का पता नहीं कहा जाता है। और यहां पर आए दिन एक न एक तार जलता हुआ नजर आता है, जिसमें कि एक हमारे यहाँ ठेकेदार है IFSCL कुछ कंपनी द्वारा ये काम किया गया है, जो आए दिन यहाँ पर आज से लेकर 2 महीना से हर एक दिन कहीं ना कहीं कोई पोल में स्पार्क होता है, 11,000 करेंट दौड़ता है। और हमारे घर में हो या किसी के भी घर में, किसी का फ्रिज जलता है, किसी का टीवी जलता है, आज भी वही दुर्घटना हुआ। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के 164 मतदान केंद्रों में पानी, शौचालय, बिजली आदि की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। यह कहना है पोटका के वीडियो कपिल कुमार का। वीडियो ने कहा कि पूरे प्रखंड में कुल 904 दिव्यांग हैं, जिनके लिए भी व्यवस्था की गई है। जो दिव्यांग मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, वैसे लोगों के लिए विशेष वाहनों की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए लगातार मतदाताओं को जागरूक भी किया जा रहा है। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी की व्यवस्था सब करवाई जा रही है इस बार, जिसमें रैम, बिजली, पानी, टॉयलेट, पंखा, ये सारी सुविधाएं हर बूथ में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। और पोटका के 164 बूथों में सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए हर बिल्डिंग में व्हील चेयर की व्यवस्था इस बार की गई है। टोटल 904 दिव्यांग है हमारे ब्लॉक में। और क्या व्यवस्था उनके लिए, क्या व्यवस्था किया गया है इस बार उनके लिए? एक तो रैंप हर बूथ में हो गया है, फिर व्हील चेयर का व्यवस्था किया गया है। जो दिव्यांग ऐसे हैं जो बूथ तक नहीं आ सकते हैं, उनके लिए वाहन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि उनको घर से बूथ तक लाया जाए, वो मतदान करें, पुनः उनको छोड़ा जाए। खबरों में वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है, इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकान है। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया, इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले, घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया, और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। पूरनमल अग्रवाल, पूरनमल अग्रवाल, जहां है साड़ियों का संग्रह बेमिसाल। जी हां, हर अवसर, शादी ब्याह पार्टी, हर मौके के लिए पूरनमल अग्रवाल में है आपकी पसंद की लाजवाब साड़ियां। वेडिंग साड़ीज, बनारसी साड़ियां, डिजाइनर साड़ियां, फैंसी साड़ियां, कांजीवरम, सुपर नेट, कॉटन, जयपुरी, तांत, ब्याह सिल्क के साथ साथ मनमोहक डिजाइनों और आकर्षक रंगों में लहंगा चुन्नी की विशाल रेंज, और साथ ही
पुरुषों के लिए है शानदार रेमंड्स के सूटिंग शर्टिंग। पूरनमल अग्रवाल जो वर्षों से आपके विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आपको शानदार वस्त्रों से सजाया है। पूरनमल अग्रवाल, शॉप नंबर 2728 साक्षी बाजार जमशेदपुर, फोन 2435138 और 9431329002। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि साक्षी आम बगान मैदान में फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का भव्य रूप से शुभारंभ किया गया। मेले का उद्घाटन धालभूम एसडीओ चंदन कुमार ने किया। साक्षी थाना प्रभारी राजीव कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में यहां मौजूद थे, जहां दीप जलाकर और फीता काटकर उद्घाटन किया गया। मौके पर शेखर पर्वत मौजूद थे। पर्वत ने बताया कि मेले में मिनी भारत की झलक दिखेगी। शुभारंभ कर दिया गया है। इस अवसर शुभारंभ करने के लिए धालूम के एसडीएम श्री चंदन कुमार जी के कार्यक्रमों द्वारा किया गया। फीता काट एवं दीप प्रज्वलित कर इस अवसर पर साक्षी थाना प्रभारी भी मौजूद थे और बहुत ही अच्छी तरह से हमारा फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का आज शुभारंभ हो गया। हम यहाँ के लोगों के कहना चाहते हैं कि हमारी पूरी तैयारी हो गई है और एक बार जरूर आएँ मेरा फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड देखने के लिए। साथ ही आपको बता दें कि गुड़ाबांधा प्रखंड के सुगी गांव निवासी अनंत टूडू को भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। परिजनों ने बताया कि अनंत पहाड़ के समीप पक्का केंदू तोड़ने गया था, उसी दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया। बता दें कि भालू ने अनंत का आधा चेहरा नोच डाला है, जिसके बाद अनंत को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां से उसे टीएमएच रेफर कर दिया गया है। तोड़ने गया था ना, केंद तोड़ने गया था, वहीं पर आता है खाने के लिए आदमी भालू भी आता है तो उससे भेंट हो गया। हम लोग को भी पता नहीं था, 3 बजे करीब घर से निकले हैं, 3 बजे करीब निकले हैं तो हम लोग नहीं थे कहाँ गया वो केंदू तोड़ने गया होगा। खोज रहा पूरा देखते हैं कि केंदू के नीचे पड़ा हुआ है। भालू भी उधर भागने लगता है। बड़ा भालू था छोटा? बड़ा एक तो था, छोटा बच्चा भी था उसी के। भालू था हैं? भालू? दो भालू। आप लोग देखा था? हाँ देख। जंगल भाग गया तो हैं? जंगल में भाग गया? जंगल में भाग गया। साथ ही आपको बताते चले कि शनिवार को बसपा प्रत्याशी अशरफ हुसैन और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए पर्चा दाखिल किया है। शनिवार को बसपा प्रत्याशी अशरफ हुसैन और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जमशेदपुर लोकसभा सीट से नामांकन पर्चा दाखिल किया है। बता दें कि बसपा प्रत्याशी अशरफ हुसैन ने अपनी जीत का दावा भी अभी आज मैं नामांकन दर्ज करने जा रहा हूं। मैं अशरफ हुसैन जमशेदपुर लोकसभा पर प्रभारी बीएसपी पार्टी से, और मुझे ये जो जुमलेबाजी सरकार चल रही है, ये करप्शन की जो सरकार है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है और चुनाव जीतना है। और यहां पर हम लोगों ने एक पुराना किताब दुकान चौक पर भीमराव जी अम्बेडकर जी के प्रतिमा में हम लोगों ने माला अर्पण किया। अब इसके बाद हम लोग जुलूस और इसके साथ में अब जाएंगे, ओबीसी ऑफिस जाएंगे और वहां पर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। वहीं दूसरी ओर बागुनहातू में सिद्धू कानू मेमोरियल स्कूल में अलमारी से 2000 रुपए नकद, चेक और अन्य कागजातों की चोरी हो गई। संबंध में जानकारी देते हुए स्कूल के हेडमास्टर ने बताया कि घटना 18 अप्रैल के रात की है। उन्होंने स्कूल कमेटी की ओर से प्राथमिकी दर्ज भी करा दी है। मतलब आपका 18 तारीख क्लास हुआ, उसके बाद छुट्टी हो गया और हम लोग तो छुट्टी होकर चले गए। तो 19 तारीख को हम लोग खबर मिला कि जैसे कि कुछ हम लोग का दरवाज़ा सब तोड़ा गया है, तो हम लोग देखा आके तो सच में तोड़ा गया है और हम लोग जांच उच किया, अलमारी को भी तोड़ा गया है। तोड़ा नहीं गया मतलब वो लॉक को पूरा फ्री कर दिया गया है, दो अलमारी का। स्कूल का क्या नाम है? सिद्धू कानू मेमोरियल स्कूल बागनटोल। सरकारी स्कूल है? नहीं नहीं सर, परमिशन मिला है, अपनी परमिशन मिला है। बच्चा लोगों का जैसे कुछ मेरा अलमारी में कुछ पैसा था बैग में, उसमें करीब 2000 आसपास था।
और जमशेदपुर में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव को समर्पित नगर कीर्तन शनिवार को सीताराम डेरा गुरुद्वारे से निकली, जो साक्षी गुरुद्वारे में आकर समाप्त हुई। बता दें कि पांच प्यारों की अगुवाई में पालकी साहब चल रहे थे, जहां भारी संख्या में सिख धर्मावलंबी इस कीर्तन में शामिल हुए। गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश उत्सव को समर्पित नगर कीर्तन में भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। महिलाएं एवं संगत पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर नगर कीर्तन में शामिल हुए। वहीं सिख नौजवानों के द्वारा हैरतअंगेज करतब भी दिखाए जा रहे थे। नगर कीर्तन की सेवा में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं तत्पर दिखी। बता दें कि पांच प्यारों की अगुवाई में पालकी साहब चल रहे थे, साथ ही इस दौरान स्त्री सत्संग सभा द्वारा कीर्तन के द्वारा संगत को निहाल किया जा रहा था। साथ ही जमशेदपुर में राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वी सिंहभूम लोकसभा सीट को भाजपा के खाते में लाने हेतु एक अहम बैठक भाजपा के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ की। इस दौरान इन्होंने सभी को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में मंडल से लेकर जिला स्तर और चुनाव कोर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। इस दौरान इन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने हेतु कई दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए। बैठक के विषय में जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्यों के आधार पर सभी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। लोगों ने रणनीति बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रत्येक बूथ पर बूथ के प्रतिशत को बढ़ाना, बूथ पर मतदान का प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, इस कार्य को सुनिश्चित करने के लिए जन जन तक पहुंचना, प्रत्येक दरवाजे तक पहुंचना, प्रत्येक घर तक पहुंचना, किसी भी समुदाय के लोग हों उनके घर तक खटखटाकर भारतीय जनता पार्टी के बातों को पहुंचाना और सरकार की योजनाओं को पहुंचाना और उनसे अपील करना, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई मोदी के समर्थन में कमल निशान पर बटन दबाकर वोट देना। अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा में सेल्फी टैंक में सफाई करने के दौरान हुई युवक की मौत, लोगों ने किया हंगामा। जमशेदपुर के चाइल्ड लाइन ने आंध्रा में बने बंधक दो बच्चों एवं एक महिला को कराया मुक्त, लाया गया शहर। जमशेदपुर में कदमा पुलिस ने दो लोगों को किया हथियार के साथ गिरफ्तार, भेजा गया जेल। और एनडीए प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने किया नामांकन, सीएम रघुवर दास सुदेश महतो समेत कई रहे मौजूद। सरायकेला के आरआईटी क्षेत्र में गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर मिला शव, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ, तब तक से दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।